हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम फोर्थ क्लास का मैथ करेंगे। इसका चैप्टर 10 है, टाइम एंड कैलेंडर की एक्सरसाइज 10.2 और स्टार्टअप मैथमेटिक्स विवा एजुकेशन की बुक है। 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है, राइट द टाइम इन एएम और पीएम। अब एएम कहाँ लगता है और पीएम कहाँ लगता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए। एएम का यूज जब किया जाता है रात के 12 बजे से, आधी रात होती है ना, जब रात के 12 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक एएम का यूज होता है, और फिर उसके बाद दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक पीएम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 4:25 इन द इवनिंग आ गया ना दोपहर के बाद, तो क्या लगेगा, पीएम। हमें खाली ऐसे ही लिखना है बस और कुछ नहीं। 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का है तो ए और एम, ठीक है, ये स्मॉल ही पी लिख सकते हैं आप। 9:50 एट नाइट, नाइट का है तो पी एम। 5:45 इन द मॉर्निंग, 5:45 मतलब 6:45 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्या लगेगा, ए एम, मॉर्निंग में है। 11:30 बिफोर नून, दोपहर के नून से पहले, मतलब नून होता है सही जब 12 बजे आते हैं तो नून लगाते हैं, तो नून से पहले 11:30 यानी कि 11:30 दो नून से पहले के, तो क्या लगेगा, ए एम। 7:15 एट नाइन, 7:15 मतलब 7:15 रात के, तो क्या लगेगा, पी एम। ओके, मैच द कॉलम, स्नेहा हैज हर लंच, ये क्वेश्चन 2 है। स्नेहा अपना लंच लेती है, लंच तो दोपहर को लेगी, तो दोपहर को कितने बजे लंच लेती है, वो 2:15 PM पे, यानी कि 2:15 भी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ होगा फोर्थ वाला, मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, विनी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक 6 AM, सुबह 6 बजे वो मॉर्निंग वॉक पर जाती है, तो इसका हो गया 5 और इसका हो गया 4। मानव गोज टू स्कूल, मानव स्कूल कितने बजे जाएगा, सुबह जाते हैं 7:30 AM, मतलब वो, सॉरी मैं मिला रही थी, ये मिला देना आप, सेकंड लिख दिया मैंने। अब मिस्टर गुप्ता एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर डिनर, डिनर पे कितने बजे जाते हैं, 9 PM, फिर से मैंने लिख दिया, थर्ड है इसका। ठीक है, ध्यान नहीं रहा। रेनू हैज इवनिंग टी, इवनिंग टी कितने बजे, 5 PM यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, ये थी क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 और ये फिनिश हो गई है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक्सरसाइज 10.3 के साथ। जब तक आप प्रैक्टिस करें, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।